मैं उससे डरने लगा हूं महवेश। वो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डिवोर्स को दो लोगों की नाराजगी समझकर कह रहा है कि आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते। हाँ तो तुम सुलह क्यों नहीं कर लेते, मान क्यों नहीं लेते उसकी बात। अच्छा चलो झूठ मूठ के सुलह कर लो, घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो मुझे, हम उसको दिखाने के लिए साथ खाना खा लेंगे, खिला देंगे और दिखा देंगे कि हम बिछड़े नहीं हैं। तब तक वो इतना बड़ा हो जाएगा कि डिवोर्स के मायने समझने लगेगा, फिर शायद खुद ही कह दे तुम दोनों साथ क्यों रहते हो। तुम सुन रहे हो ना? वो समझ भी गया तो कभी नहीं कहेगा कि साथ क्यों रह रहे हो। चलो वो ना भी कहे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तुम हंस रहे हो? तुम छोड़कर जाने की बात कर रही हो ना, इसलिए तुम्हें तो आता है ना छोड़कर जाना। काश तुम फिर ये बात करो और सुनकर मेरी जान निकल जाए। देखो मेरी आंखों में आंसू आ गए और तुम्हारे लिए रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय, क्या हाल है? क्या हाल है? कल से जाग रहा हूँ यार, नया चेंज किया और आ गया तेरे पास। तो क्यों आ गया मेरे पास? उसकी वजह से। क्या है ये, मुझे माँ की तरह क्यों देख रही है? बैठो बैठो। अब चुप करके मेरी बात सुनो। मैंने चंद घंटे गुजारे हैं उसके साथ, तो कुछ तो सीख कर ही आई हूं। नस काट कर मरने में इतनी तकलीफ नहीं होती दानिश, जितनी तकलीफ पछता के जिंदा रहने में होती है। अपने हाथों से जख्म खाए तो जख्म देने वाले का नाम तक बता नहीं सकती हूँ। एक रात में कई कई बार मरती होगी, और पता है मर कर भी मर क्यों नहीं रही? उसको लगता है कि एक दिन तुम उसका नाम लेके आवाज दोगे, उसको छूकर जिंदा कर दोगे। मुझे पता है मर्दों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन एक बार अपनी बीवी की बेवफाई को माफ करने की हिम्मत तो करो। कोई तो हो जो औरत को भी माफ कर देता हो। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, चाहता हूँ कि उसको माफ कर दूँ, लेकिन फिर खुदा याद आ जाता है मुझे। मतलब शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता। तुम्हारा फोन सुनकर आ रहा हूं। और जो मेरे वहां पहुंचने से पहले तुमने शवार से बात की थी, उसने सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली थी।
इस्लामाबाद के होटल में शेवार के साथ ली गई तुम्हारी सेल्फियां भी देखी, उनको देखते हुए ये नहीं देखा कि तुमने वहां ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहना। मैंने ये देखा तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी सच्ची है, एकदम खिल गई हो तुम। मैं यही तो चाहता था कि जब तुम हंसो तो लगे कि दुनिया में कोई गम नहीं, और जब तुम खिल जाओ तो मैं बताऊं कि फूल इस तरह खिलते। पर वो साला बाजी ले गया मुझे, उसने वो सब कुछ तुम्हें दे दिया जो मैं बस सोच सकता था, दे नहीं सकता। इसलिए मैंने घुटने टेक दिए उसके सामने, कह दिया मैं हार गया हूं और तुम जीत गए। मैं वहां मोहब्बत बचाने गया था, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा कर आया हूं, कोई पता नहीं बचती है कि नहीं। कल से लोग सवाल पूछे और मैं झूठ बोलने लगूंगा। ज्यादा परेशानी मुझे रोमी की, अभी तो वो सो जाएगा, कल जब वो उठेगा और पूछेगा मामा कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूंगा उसे। उसे कह देना मैं मुल्क से बाहर गई, कुछ देर वहीं रहूंगी। Sorry, Ramesh. I have to go. बाहर क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि अब तक रूमी सोया नहीं। अभी तो 8 बजे, 10 बजे से पहले कहां सोता है। चलो तुम पैकिंग कर लो और अपनी कोई चीज छोड़ के ना जाना। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। रोमी को सुलाने की कोशिश कर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.